नवी मुंबई नेटवर्क। कहते हो कि इरादा और जज्बा हो तो मुकाम खुद ब खुद मिल जाता है। शून्य से शिखर तक पहुंचने के अपने इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हुए नृत्य सागर डांस एकेडमी के फाउंडर सागर राठौड़ द्वारा नृत्य सागर डांस एकेडमी का पहला एनुअल डांस इवेंट आरंभ 2022 विंटर स्टूडेंट डांस शोकेस का आयोजन वाशीसर सिडको ऑडिटोरियम में जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर सागर राठौड़ को मोटिवेट करने और डांस एकेडमी के बच्चों की प्रतिभाओं का लुफ्त उठाने डांस शो में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे लोकमत प्रिंट मीडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय शुक्ला, जय अम्बे कंस्ट्रक्शन MD शंकर राठौड़, इंडियाज बेस्ट डांसर फेम रोजा राना, DS एंटरटेनमेंट के फाउंडर एंड डायरेक्टर दीपक शेट्टी समेत महागुरु डॉक्टर मैरी पॉल, सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट निशिता सुवर्णा, चिन्मय पांडे, कोरियोग्राफर लाफी पॉल, गुरमीत गारा, मिसेस रायगढ़ 2022 विनर दर्शना गवानी आदि तमाम मान्यवर। बता दें कि नवी मुंबई ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक बेहतरीन कोरियोग्राफर के तौर पर सागर राठौड़ को जाना जाता है। अपने पिता के मूल्य और विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हुए सागर राठौड़ के नृत्य सागर डांस एकेडमी ने मात्र एक साल में ही नवी मुंबई में एक बेहतरीन डांस एकेडमी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। रब लब्बा पापियानू जिना चंगे काम ना चंगे लग दे ओ किए पिंड करिए नृत्य सागर डांस एकेडमी के पहले एनुअल डांस शो में एकेडमी के तकरीबन 150 छात्रों ने जब मंच संभाला तो एक से बढ़कर एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस ने सभी को स्तब्ध कर दिया। 2 साल के बच्चों से लेकर बड़े भी बच्चों के साथ जमकर बॉलीवुड के धुनों में थिरकते नजर आए, जिसे देखकर संपूर्ण माहौल मंत्रमुग्ध हो गया। इस दौरान उपस्थित मान्यवरों ने भी नृत्य सागर डांस एकेडमी के छात्रों के डांस परफॉर्मेंस को देखकर बेहद अभिभूत नजर आए। इस दौरान दर्शकों और अभिभावकों से खचाखच भरे इस ऑडिटोरियम में सभी ने एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्मेंस दिया और इसी के साथ सागर राठौड़ ने दिखा दिया कि जहाँ चाह है वही रहा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उपस्थित मान्यवर खुशी में लबरेज नजर आए। उन्होंने सागर राठौड़ की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि सागर राठौड़ की इसी लगन से ये तो तय है कि अभी ये आरंभ है, मगर सफलता का मुकाम आगे बढ़ता ही जाएगा। सागर ने नृत्य एकेडमी के थ्रू जो ये एक शुरुआत की है जिसका नाम ही आरंभ है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं देख रहा था नन्हे मुन्ने बच्चों से लेके बड़ों तक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे ऐसा मालूम चला कि करीब करीब 150 छोटे बच्चे या और बड़े मिलाकर ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड इस प्रकार के अगर अवसर हमारे यहाँ के टैलेंट्स को मिलते रहेंगे तो ऑब्वियसली जो यहाँ से उनका मुकाम होगा वो काफ़ी आगे होगा। और मैं इस नए आयाम नए वेंचर के लिए सागर नृत्य एकेडमी और सारे लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ख़ास मेरे बेटा ने बहुत मेहनत किया है, छोटा सा तभी से उसको डांस का शौक़ था, छोटा से उसको डाला था आज इतना बड़ा काम करेगा करके मुझे भी मालूम नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि घर का उसका बहुत सपोर्टिंग था, उसको पिताजी का, माँ का, भाई का, उसका वहनी का, बहन का, पूरा परिवार का उसको सपोर्ट था। इसके लिए उसको ऊँचे पद में जाने के लिए हम लोग ने सपना देखा था, हाई लेवल में जाने के लिए सपना देखा था, तो अपना आज सपना साकार हो गया। एक्चुअली हम दिए दिल से और खुश दिल से उसको आशीर्वाद देने के लिए सब सदस्य सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये मेरा बच्चा नहीं है, पूरा न्यू बम्बई वासी का बच्चा है, सबको सपोर्ट देना चाहिए। जो टेलीकास्ट देख रहा है, कोई प्रोग्राम देखा है, आज प्रोग्राम ने किया है, कम से कम 700-750 लोग थे, सदस्य लोग थे और पदाधिकारी भी थे, कार्यकर्ता थे और कलाकार भी आए थे। रोजे आई थी, उसके बाद रोजा मैम आई थी, उसके बाद अपना मिलिन पवार आया था, बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे। उनके आशीर्वाद से और सबका आशीर्वाद से मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको शुभेच्छा देता हूँ। ऐसा मेरा लड़का को सब सपोर्ट दीजिए, न्यू मुंबई वासी में उसका नाम रोशन करने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। बहुत खुश हूँ बिकॉज आई हैव सीन सागर वेरी सीरियस एज अ डांसर, उसने डांस को बहुत पैशनेटली अपनाया था। एंड आज के डेट में मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उसने जो स्मॉल स्टेप्स लिए, आज का इतना बड़ा स्टेप वो दिख रहा है। ही इज़ ऑर्गेनाइज्ड अ शो, ही इज़ पुट अप सो मेनी किड्स परफॉर्मिंग। एक आर्टिस्ट को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही होता है कि उसको स्टेज मिलना, और छोटे छोटे बच्चों को जब स्टेज मिलता है तो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से सागर, थैंक यू फॉर doing this, thank you for encouraging new talent and all the best. Your Didi will always be with you. Congratulations. मैं सागर को congratulate करना चाहूँगा, उसका first event है और super event है। ये आरंभ पक्का प्रारंभ होने वाला है, sure, that is so confirm. And उसने बहुत मेहनत किया है, the show is houseful, 150 से ऊपर students perform कर रहे हैं इस situation पे, it's mind blowing. So God bless सागर और ऐसे ही वो आगे काम करते रहे, 150 के 300 है, 300 के 600 है, ऐसे होते रहे बस, that's it. My best wishes with him always. जो आरंभ शुरुआत उनकी फर्स्ट एनुअल फंक्शन बहुत ही अच्छा से जा रहा है एंड छोटे छोटे बच्चे से लेके मम्मी लोग तक इधर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मैं विश करूँगी सागर को इसी तरह एक नहीं 100 प्रोग्राम होना चाहिए एंड रियली वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा मेहनत ही है, वो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। एंड हर एक स्टूडेंट को जो शिष्यास लोग को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। एंड सागर का जो स्टूडेंट्स का पेरेंट्स को भी मैं विशेष करना चाहूँगी, इसी तरह बच्चों को कंटिन्यूस एक्टिविटी क्लासेस में आप कंटिन्यू कराइए एंड ऑल द प्रोग्राम्स आप अटेंड कीजिए। It is a very good job what he is doing, and first of all I would like to say it takes really too hard and hard work to put up a show. Only within a 4 hours the audience come, enjoy and leave. But for an organizer it is really difficult to organize. So it's really hats off to Sagar. He is doing a really great job. My best wishes for him. I know Sagar since last. He was 10 or 11 years old. Now he is 21, 22 years. It's been 12, 13 years. And मैंने उसको करीब 8-9 साल ट्रेन किया है, so I know the potential that he has. What I feel is it's a great initiative to start a show for the students because they get a bigger platform to showcase their talent. So it's an amazing opportunity for all the students. Knowing Sagar, he is an amazingly talented dancer. I'm sure the ones who are learning under him are at great hands. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर लाइक आपका फ्यूचर आपने अब अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत सही जगह पे आपने दिया हुआ है. सो गुड लक. कंग्रेचुलेट एंड विश ऑल दी बेस्ट टू मिस्टर सागर राठौड़ जिनका ये फर्स्ट एनुअल शो है एज अ इंस्टीट्यूट एज अ choreographer, so I want to wish him all the very best and all the students. And इन्होंने जो platform रखा है ये बहुत अच्छा रखा है. I have seen so many people over there, not only teenagers but adults, babies, 2.5 years का लड़का डांस कर रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं, and women's, you know, senior citizens, each and everyone, and age doesn't matter. So all the people, all the beautiful, talented, amazing dancers were dancing. So I'll wish him all the very best and congratulate him. Sagar, I've seen him over the years. What working has, he's very talented. और बहुत प्यार से मैं इन्वाइट किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि पैंडेमिक के बाद बहुत अच्छा शो हो रहा है एंड ऑडिटोरियम इज ऑलमोस्ट फुल एंड अदर प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो मेरी बहुत शुभकामनाएं लिखा लीजिए सागर राठौड़ को. मैं चाहता हूँ कि यू शुड कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग. माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद हिम. सागर राठौड़ या सरांना मी आजचा त्यांनी एवढा मोठा इव्हेंट केला आहे. आरंभ त्यांचा फर्स्ट इव्हेंट आहे आणि तरीसुद्धा या म्हणजे एक इव्हेंट ऑर्गनायझरची भूमिका एक वडिलांसारखी असते आणि इव्हेंट हा एक मुलीसारखा असतो. म्हणजे जोपर्यंत मुलीचं लग्न होऊन जात नाही तोपर्यंत जसं बाबाला काळजी असते तसंच एक इव्हेंट ऑर्गनायझरला असते. सागर राठौड़ सर यांना मी पुढच्या आयुष्यासाठी ऑल द बेस्ट देऊ इच्छिते. वहीं सागर राठौड़ ने अपने पिता की कही बात को दोहराते हुए कहा कि पिता ने कहा था कि शुरुआत करो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी, और आज वो मंजिल उन्हें मिल चुकी है. हम लोगों ने डांस स्टूडियो की शुरुआत की थी एक साल पहले, ठीक है. तो लाइक स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, प्लानिंग्स नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे जाके, बट वी स्टार्टेड, ठीक है. शुरुआत करनी अच्छी होती है, तो उसी सोच की वजह से मैंने सोचा कि आरंभ नाम अच्छा रहेगा शो का. तो दैट इज़ द रीज़न ओनली कि मैंने आरंभ नाम रखा है शो का. और एक साल में ना लाइक वी स्टार्टेड विद अ ज़ीरो एंड नाउ वी हैव 150+ स्टूडेंट्स अराउंड, ठीक है. सो बिग डिफरेंस है, लाइक मेहनत करने वालों को मिल जाता है, होता है. बड़े लोगों ने कहा है, लाइक मेरे डैड ऐसे बोलते हैं कि लाइक शुरुआत करो, अपने आप जगह मिल जाएगा, वे मिल जाएगा, आप जाते रहोगे, ठीक है. दैट इज़ द ओनली रीज़न. और ये 150 स्टूडेंट्स का डांस शोकेस जो हो रहा है, लाइक हम लोग अलग अलग स्टाइल में हम लोगों ने परफॉर्म किया है. लाइक बॉलीवुड हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, जैज़ हो गया, ठीक है. तो हम लोग चाहते हैं कि फ़र्स्ट इवेंट में हम लोग को इतना अच्छा रिस्पांस आए कि हम लोग सेकेंड इवेंट में ना उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े जितनी फ़र्स्ट इवेंट में लगी है. मेरे एकेडमीज़ में बहुत छोटे बच्चे हैं जो 2 साल के एंड दे आर वेरी एक्टिव. लाइक इतने एक्टिव है कि फर्स्ट क्लास में भी उन लोगों ने मतलब माँ बाप को छोड़ दिया कि हम लोग डांस करेंगे, आप जाओ बिंदास, ठीक है. तो मेरे पास लाइक 70+ स्टूडेंट्स आर लाइक 2+ ईयर्स के, लाइक अराउंड 3 ईयर्स के बच्चे हैं मेरे पास. एक मुझ पर ट्रस्ट किया है उन लोगों ने, और लाइक परफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि डर होता है, हमेशा नर्वसनेस होता है. तो उन लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.